के लिए अब्बास मेहंदिया बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ है सिपाही पर, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी मुर्तजा का जाकिर नायक कनेक्शन बताया जा रहा है, और आपको बता दें कि नायक के वीडियो देखता था मुर्तजा। आपको बता दें कि आरोपी ने रविवार को दो पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया था, और आरोपी अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। उधर इस हमले को लेकर के यूपी सरकार ने आतंकी हमले की साजिश जताई है, और इस बारे में आपको बता दें कि अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी और साथ साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और शासन का कहना यह है कि मामले की गहनता से जांच हो रही है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बता दें आपको कि गोरखपुर मंदिर में जिस आरोपी ने सिपाहियों पर हमला किया था, बताया यह जा रहा है कि उसका कनेक्शन एक तो नेपाल से बताया जा रहा है, दूसरा नाम मुर्तजा है इस शख्स का जिसने हमला किया था सिपाहियों पर, और इसको लेकर के बड़ा खुलासा ये किया गया है। जांच एजेंसियों द्वारा पता यह चला है कि ये जाकिर नायक की वीडियो देखा करता था, और आपको बता दें कि आरोपी मुर्तजा जो है उसका ISI के वीडियो देखने पर वो उनसे काफी प्रभावित हुआ है, और उसके बाद इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। अरशद जमाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी से जुड़ गए हैं। अरशद, ये बड़ा खुलासा है जांच एजेंसियों द्वारा जिसमें बताया जा रहा है कि जाकिर नायक के कनेक्शन से जुड़ा हुआ मुर्तजा जो कि आरोपी है जिसने सिपाहियों पर हमला किया था धारदार हथियार के साथ, हालांकि इस समय रिमांड कस्टडी में रखा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ISIS के वीडियोस देखा करता था, नेपाल से कनेक्शन था और जाकिर नायक से प्रभावित था ये शख्स। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिसे जिस तरह से लैपटॉप से ये जानकारी निकल कर आई है कि ISIS से भी इसका कहीं ना कहीं संबंध था, जिस तरह से वो वीडियो उनके देखते था, और खास करके जिस तरह से ये नेपाल गया है तो नेपाल की एक टीम ATS भी पहुंची हुई है, और नेपाल से लेकर इनके घर तक पूरे कनेक्टिविटी को कनेक्ट कर रही है कि ये कहाँ कहाँ और इनके सुराग लगे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए खास करके जो जिस तरह से इसका संबंध, जिस तरह से ISIS के संबंध के साथ इसका जोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से इसके लैपटॉप से ये जानकारी निकल कर आई है और फोन खंगाले जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये किसी ना किसी बड़े संगठन के टच में था, और टच के बाद वो कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन कहीं ना कहीं इस छोटी सी घटना में इसका खुलासा हुआ और पुलिस ने अहम कामयाबी पाई, इसको धर दबोचा। फिलहाल 14 दिन की रिमांड पे रखा गया है और 7 दिन की कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है कि आगे और क्या क्या चीजें इसने इंप्लीमेंट के लिए बनाई थी, और इनके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसको लेकर ATS और STF जांच कर रही है कि इनके गिरोह में और कौन सदस्य हैं, आसपास के जिलों में भी क्या इनके दोस्त अहबाब वगैरह कोई और भी इनका साथी जो इनके साथ मुंबई से यहां पर आया, क्या और भी लोग इस संगठन में इसके साथ जुड़े हुए हैं आसपास के लोग, इसको लेकर पूरी तरीके से कहा जाए कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही हैं कि क्या इस संगठन के पीछे किसी और का मकसद है या फिर क्या ये अर्शद कुछ और भी धार्मिक स्थलों की रैकी की गई थी मुर्तजा द्वारा। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं आ रहा कि और धार्मिक जगहों की रेखी की गई थी, लेकिन फिलहाल यहां पर जिस तरह से वो प्लानिंग के तहत आता है, कहा जाए कि मुंबई से और सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत तो साफ है कि एक पॉइंट उसने सेलेक्ट किया कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचना है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इसके कोई ना कोई आका जरूर रहे होंगे जिसने इस बात को कहा कि इस जगह पर आप जाइए और इस वारदात को अंजाम दीजिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो जिस तरह से अब खंगाल रही हैं परत दर परत, तो अब पता चलेगा कि इसके पीछे इसके आका कौन है और कौन इसको जो है शह दे रहे थे, और इसके पीछे और लोगों की क्या टीम थी, इस टीम पर काम कर रही है, जिस तरह से कहा जाए एक टीम नेपाल गई हुई है, नेपाल से इसके क्या कनेक्शन थे, नेपाल के जरिए इसके क्या कनेक्शन, बाहर विदेशी कोई कनेक्शन थे, उसको लेकर पूरी तरीके से टीम तफ्तीश कर रही है, और उसके बाद पता चलेगा कि इसका मेन मकसद आखिर क्या था, क्या और जगह पर धार्मिक स्थानों पर भी इसका मकसद था कि और जगहों पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना था, या फिर ये छोटी सी घटनाओं को ही पर ही विराम लगाना था, या फिर एक
कहा जाए कि इंप्लीमेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही थी उस संगठन की कि एक छोटा सा हम इंप्लीमेंट करते हैं और इसके बाद बड़े घटना को अंजाम देंगे। इसको लेकर पूरी तरीके से जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उस पर तफ्तीश कर रही हैं, एक एक पहलुओं पर बातचीत कर रही हैं, उनके परिवार से लेकर इनके दोस्तों से लेकर सारी चीजें लैपटॉप से लेकर मोबाइल खंगाली जा रही है। बिल्कुल अर्शद जमाल, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।